तो अभी दोस्तों मशीन से पानी पूरी बेल रहे हैं, अब थोड़ी सी बची है, ज़्यादा नहीं बची है। फटाक से पनीर डालते हैं, उसके ऊपर से एक और पटरा, और इसी में बनेगा भाई। इसको ना फिर बेल बाल के, मतलब इसको ना साफ करके रखना पड़ता है, वरना तेल आटा वगैरह लग जाता है। फिर थोड़ा सा घर आ गए हूँ दोस्तों, और सबसे पहला काम घर आने के बाद जूते उतारना भाई, क्योंकि ना गर्मी रहती है, पैरों में काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। भैया फुटबॉल दिखा दो इसके लिए, छोटा सा एक ठो जो इसके मुंह में आ जाए, ए हाथ में आ जाए, सॉरी खेलेगी ना पार्क जाएगी तेको। और दोस्तों क्या हालचाल, समझते हैं, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आपका एक और नए व्लॉग में स्वागत है। धूप भरी दोपहर है, 12:30 बजने वाले हैं, दुकान अभी तुरंत लाया हूँ, और सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया हूँ, कल का व्लॉग एडिट करते करते थोड़ा सा देर हो गया था, फिर अपलोड किया और अभी दुकान लाया हूँ। ये देखो सूरज जी बैठा हुआ है। सूरज गर्मी तेज होने लगा ना, कहाँ इलाज है इसका? आप क्या कर सकते हैं एक ही इलाज है, घर में रहो, कोई इलाज नहीं है ना। वो पिछले साल आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोगों को, मैं ग्रीन मेट लगाया करता था, तो उसको लगाया करूँगा घर में। एक दिन मैं कुछ सामान ढूंढ रहा था तो वो मिल गया था मेरे को। अब देखते हैं भाई, चलिए दुकान सेट कर लेते हैं। तो दुकान दोस्तों सेट कर दिया हूँ, अब ये कपड़ा वगैरह हल्का सा लग गया हूँ, इधर तेज गर्म हवा चल रही है ना, इसके अंदर डाल दूँ, ये इससे क्या होगा। और चौपाटी में विकास भाई जो लगाते हैं ना, वो तो पंप भी बना लिए, जो पानी मारता था ना वो वाला, एक वो लाए पंप लाए, और स्प्राइट की बोतल में जैसे तेल वाला बोतल है वैसे ही बना के बना लिए, तो वैसे ही करूँगा मैं भी। कपड़ा गीला है, थोड़ा सा ठंडक रहेगी अंदर में, बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं, रविवार है आज, उधर भी किसी की दुकान नहीं लगी है, राहुल किशन तो है नहीं, किशन घर चला गया मान लो, और जो प्रिंसिपल भैया लगाते हैं वो भी लगाया है, अब एक दुकान लगी है खाली वहाँ पर, अब चलेंगे फिर भी पलट दो। गर्मी बहुत तेज है भाई, और नींद लग रही है, पूरी गर्मी में यही हाल रहेगा। अब शाम को दुकान खोला करूँगा, नहीं तो फिर शाम को दुकान खोलने के बाद ना शाम को फिर 10 बजे तक रहना पड़ेगा। अभी 100 रुपये के ना दोस्तों पानी पूरी और चाट मिला के पैक कर लिए, मतलब बिक्री ना हो, और 100 का 50 या 150 कस्टमर आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब बिक्री होती है ना तो ऐसा होता है कि 30 रुपये उनका, 40 रुपये उनका, 50 रुपये उनका, हो गया भाई 100 रुपये। दोपहर में वही है, बिक्री नहीं होती तो आलस लगता है, नींद लगता है। गर्मी में चुनू भैया भी आए हैं पूरी खाने, सब्जी छोड़ के पैक भी कर दूँ, कर दीजिए बोल दीजिए आपको इच्छा है तो। पानी इतना इतना दो पन्ने में कर देता हूँ भैया, इतना इतना दो पन्ने में कर देता हूँ बोल रहा हूँ। गर्मी में ना वैसे भी लोग ज़्यादा पानी पीते हैं। टमाटर और सिखाने दीजिए, अरे भुंजा जाएगा वो। प्लेट से ढाल दिया था, मस्त हो गया। हाँ उसमें खट्टा आ जाएगा ना। चार तीन पर 5 कर दूँ, तो 100 का फुल्की पार्सल हो गया है और 50 का चाट। अब ये पैसे शाम को वसूल हो जाएगा पूरा ना चुनू भैया, नहीं शाम को हो जाएगा, मत दीजिए का दिक्कत, बड़ा पतीला है ना, मीठा फुल्की बनाइए ना दस्त जी सर, मीठा फुल्की खाइएगा तब तबीयत खराब है, अरे कुछ नहीं होगा, अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे बोल दीजिए, खट्टा खाइए गरीब में, ये सब खाई तो ठीक बात है। योगे पानी, योगे मसाला, और इसको फुल्की को नहीं, इसको डालिए फुल्की, उसको शाक वो कहे वो अच्छी हो जाएगा ना, बड़ा जाएगा ये तो पानी ना। दो चाट अभी खाली ना, आज पानी पूरी सेलिंग हुई अभी पैकिंग, और उस टाइम पे नहीं थी, उसके बाद थोड़ी मोड़ी हुई ना, कस्टमर आने स्टार्ट हुए तो पैकिंग करना हुई, आज कम से कम 600-700 रुपये पानी पूरी ही पैक हुई।
100 रुपये का पैक करना है। क्योंकि भैया से पैसे तो लिया नहीं हो तो भाई सब्जी वगैरह लेने जाऊँगा शाम को तो वहीं नहीं पड़ जाएगा। तुरंत खाएंगे कि बाद में खाएंगे? अरे मुंह बांध रही है तो बोलेंगे भी नहीं। क्या है ना शुरू में खाएंगे ना तो गर्मी ज़्यादा है तो इसमें ना पूरा मसाला नहीं मिलाऊंगा, जैसे अदरक लहसुन को चटनी वाला मिर्ची प्याज हो गया ये सारा कुछ। ये लीजिए खाली फुल्की, डिक्की में आ जाएगा ये पानी और मीठी चटनी है इसमें और ये रहा मसाला। देखिए उसमें गाड़ी डिक्की में रखिए ना। अब पानी पूरी तो दोस्तों ख़त्म हो गई है, ये देखो अब चाट बची है, चाट का टिक्की और थोड़ा सा मटर ना इसी में फोड़ फोड़ कर भी खिला रहा था, मटर बचा हुआ है। अब मेरे को ना पानी पूरी मैं सोच रहा हूँ ले आऊँ क्योंकि ना उसके चक्कर में ना ये भी बिक जाती है, अब ये नहीं है तो ये कहाँ से बिकेगी, गाड़ी नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ भैया की स्कूटी लेके चला जाऊँगा। क्या बोल रहे हैं? हिसाब बताऊंगा तो फिर आपको मिठाई खिलाना पड़ जाएगा ना। 1500 रुपया यार, यार गाड़ी बनवाई, बाइक बनवाए हैं। दी तो चाबी आता हूँ घर से। गाड़ी की चाबी दीजिए ना, स्कूटी का फुल्की खत्म हो गया, सोच रहा हूँ ले आऊँ। सौठो तो ये मैं फुल्की ले लिया हूँ इतना सारा। चलो ओए भैया उतरिए, ये पहले आके बैठ गए। अरे पापा की नहीं है बेटा, जाए कहाँ छत के ऊपर, जाओ चलो छत के ऊपर चढ़ो। तो पानी पूरी ले आए दोस्तों, सूरज भी यहीं पे छोड़ के गया था लेकिन कस्टमर तो आया तो सूरज बता रहा था, इसको ढाल देता हूँ। टमाटर किसका आपका है? टमाटर उठा के ले आया हूँ मैं। अब पता नहीं गाड़ी वाला कहाँ गया, समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट कितने का पैक कर दूँ भैया, कितने का पैक कर दूँ? 30 का 40 का। और बाइक वाले तो आ गए, देखिए झोला कहाँ गया आपका। अरे शहर है जी, ऐसे छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। टमाटर बेच के आए हैं? बेच के आए हैं टमाटर, जो भी बचा हुआ था खा गई थी, नीचे गिर गया था उठा कर रख दिया हूँ मैं। टमाटर बेचने वाले थे, घर आ गए हूँ दोस्तों। और सबसे पहला काम घर आने के बाद जूते उतारना भाई, क्योंकि ना गर्मी रहती है पैरों में काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। अभी देखो पैर साफ सुथरे रहते हैं, इसी चक्कर में पहनता हूँ भाई जूते। अरे पैरों को मैं इतना अच्छा लगता है ना कि पूछो ही मत। और अभी बस अभी रोज काम वही है, अब आज समोसा वगैरह कुछ नहीं लग गया था, अकेला हूँ बना लेता हूँ, टाइम नहीं मिलता थोड़ा सा इसीलिए। तो घर में दोस्तों छत्तर को खड़ा कर दिया था और अभी आ गया हूँ मैं नेहरू पार्क में जो कि हम लोग सूरजपुर में ही है, तो वहीं आ गया हूँ। अब अकेला नहीं हूँ, डुडुक को भी लाया हूँ क्योंकि ये दोनों बच्चे घर में रो रहे थे, डुडुक को उधर सूरज खिला रहा है और समृद्धि को देखो मैं यहीं पर छोड़ दिया हूँ। ये देखो समृद्धि है, नहीं नहीं ये समृद्धि नहीं है, ये वो है क्या बोलते हैं कहा नाम है, मेरी बेटी का नाम भूल रहा हूँ मैं, राशि, इसका नाम राशि है। देखो ये छोटी वाली 9 महीने की हो गई है, 2-4 कदम चल लेती है अभी, कम से कम 10 मिनट से खड़ी है वहीं। आजा 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 यहाँ भी लड़ाई चालू। आजा आजा छोड़ दे उसको खेलने दे दोस्तों, चल आ जा। आठ ये देखो ऊपर से तो इन लोगों को मैं नीचे कर नहीं सकता, बीच रास्ता से सूरज छोड़ देगा और यहाँ से मैं पकड़ लूंगा, टुक टुक पकड़ लेगी। चल चल बेटा, दीदी यार बिट्टी आ रही है ना, चल छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। आठ आ जा ये मारती है यार। तब डुडुक को ना तो दोस्तों तभी तो सूरज डुडुक को वहाँ से छोड़ देगा और थोड़ा सा आगे छोड़ेगा ताकि यहाँ पे टूटा हुआ है लगे मत। अरे आ जा छोड़ दे, सुला के छोड़ना ना। आगे देखो ये देखो डुडुक को खेल रही है, फुटबॉल दिलवाना पड़ेगा एक इसको।
दे 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 भाई दे आ कितनी खुश ये छोटी बच्ची हो क्या तू बड़ी ना है चल है बेटे ले लीजिए अपने से तभी आ गया मैं फुटबॉल लेने ले ही लेता हूँ फिर चलता हूँ दरवाजा खोल बेटा दरवाजा खोल बैठो भैया फुटबॉल दिखा दो इसके लिए छोटा सा एक ठो जो इसके मुंह में आ जाए ए हाथ में आ जाए सॉरी खेलेगी ना पार्क जाएगी तेको ले 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 तो बच्चों को घुमा के घर कर देता उसके बाद ये देखो मंगल आया हूँ आज या तो ये बनेंगे या तो फिर मेरे को पढ़ेंगे आज ये देखो ले इतने मोटे मोटे अच्छे नहीं लगते हाँ पता देखते हैं अच्छा लगता है कि नहीं भाई और आज के दिन मेरे पूरे पैसे खत्म हो गए 21-22 सौ की दुकानदारी किया था और आज देखो अदरक लहसुन सब थोक में ले आया और ये देखो सफ़ेद सफ़ेद वाले बैंगन भी लाया हूँ ये रहे मिर्ची लाया हूँ इसमें ना पूरी मिर्ची 30 रुपये किलो लाया हूँ और वैसे जनरली 30 रुपये की आधा किलो लाता हूँ रोज़ पर डे तो अभी दोस्तों सुबह हो गई है तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग पे यहीं पे एंड करते हैं आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा अभी क्या हो रहा है पता है मतलब पानीपुरी की जबरदस्त सेलिंग हो रही है अब कल देखूंगा जल्दी ले जाऊंगा पानीपुरी मतलब जल्दी नहीं थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले जाऊंगा और कल वो भी लेने जाऊंगा वो पंप कल वाले ब्लॉग में देखिएगा मैं कैसे बनाया उसको कितने में कितना खर्चा आता है उसको बनाने का चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय।